भागीरथ ने बड़ी तपस्या की और गंगा जी को लाए हैं, लेकिन भगवान शंकर के बिना तो संभाले उनके बेग को, तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थान दिया है और उसकी एक एक धारा और पूरे पृथ्वी को पवित्र करने में समर्थ है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, हमारे वहां एक देखिए कैसी, हमारे लोग गुड़ गुड़ खाते हैं और गुलगुला से परहेज कराते हैं। अभी मैं गंगा जी के तट पे गया था गुजरात में, साबरमती का तट, वहां पर श्री गणेशोत्सव में गणपत बाबा मौर्य लाखों लोग मनाते हैं, मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए सरकार ने रोक रखा है, नदी के किनारे लाखों की संख्या में गणेश जी धूल फांक रहे हैं। जब मैं देखता हूँ हृदय छलनी हो जाता है, इतना अपमान होता है, सहा नहीं जाता, क्या हो रहा है। आप पूजन करते हैं फिर मूर्ति को नदी के रोड के किनारे, अब वहां पे धूल कूड़ा उड़ रहा है, भगवान जी की आपने इतने सम्मान से पूजा की वो धूल फांक रहे हैं, नदी में सरकार डालने नहीं देती, आपके घर में रख नहीं पाते और उस पर पछताते, अनादर होता है। इसलिए और तीसरा उपाय निकाले, हमने कहा भाई विसर्जित क्यों नहीं करने देते हो, अरे महात्मा जी प्रदूषण फैल जाएगा, क्या फैल जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आज तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट को देखकर मुझे तृप्ति हो गई कि ये मूर्ति फेंकने से और कुछ पुष्प फेंकने से प्रदूषण फैल जाएगा। मैं फूल अभी गंगा नदी के तट पे कुछ फूल फेंक रहा था, बोले अरे महात्मा जी आप हैं कैसे आचरण कर रहे हैं, फूल को गंगा में फेंक रहे हैं प्रदूषण फैला रहे हैं। मैंने कहा मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, महापाप कर दिया, फूल को गंगा में फेंक दिया, महापाप कर दिया, क्षमा करो क्षमा करो, तुमको बहुत महान, फूल फेंकने से गंगा में बहुत बड़ा प्रदूषण फैल जाता है, भगवान की मूर्ति डालने से अरे अत्याचार हो जाता है, लेकिन गंगा पवित्र हो जाती है, कैसे पता है कैसे पवित्र होती है, फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता। नाले का जो टट्टी पेशाब गटर का जब पानी गंगा में छोड़ देते हैं बड़ा बड़ा नाला, उससे गंगा पवित्र हो जाती है, उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। गंगा में गुड़ आ जाते हैं औषधि गुण, क्योंकि आपके नाले का जो पानी है, जो गटर का पानी है, आज ऋषिकेश से लेकर हर जिले में हर जगह पे गंगा के अंदर सारा नाला खुला हुआ है, सारा गंदगी गंगा जी में जा रहा है। फूल फेंकने से प्रदूषण होता है हमारे देश में, भगवान की मूर्ति विसर्जन करने से प्रदूषण होता है हमारे देश में, नाले का बूचड़ खाने का रक्त मिश्रित जल और अतड़ियों का सड़ा हुआ जल, गंदा जल जो अनेकों करोड़ों की और उसमें टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो है और इतना दुनिया भर का बैक्टीरिया, ये सब छोड़ने से गंगा पवित्र हो जाती है। बड़ी विचित्र, बड़ा विचित्र देश है, मैं लोगों के को देखकर उनके कर्मों को देखकर बड़ा हतप्रभ हूं। आप बताइए, मैं कहता हूं हाँ मूर्ति में थोड़ा पेंट होता है, केमिकल होता है, मिट्टी होता, पुआल होता है, फूल और दूध विसर्जित करते हैं, जो राख होता है राख पवित्र होता है, जब यज्ञ करते हैं राख विसर्जित करने को कहा है, आप इसे बड़ा गलत मानते, चलो भाई मैंने मान ली, ये बड़ा विचित्र, गुड़ का गुड़ खाओ गुड़गुला से परहेज करो। हमारे देश के अंदर बड़ी विडंबना है कि गंगा में अभी मैं कहता हूं वन टाइम यूज प्लास्टिक को रोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोगों को दिक्कत हो रही चलो ठीक है कोई बात नहीं आपने, लेकिन न्याय करो बराबर करो। कुरकुरे की जो प्लास्टिक है वह भी वन टाइम है, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी का है, उसको आप नहीं बंद करते। सारे विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर दुनिया भर का अत्याचार मचा रहे हैं, इसको नहीं रोकते, लेकिन आप रोकते क्या, रोकते क्या। इसीलिए छोटे दुकानदारों का बिजनेस मार देते हो, सब पर बराबर न्याय करो। और मैंने इस बात को भी उठाया है, इसलिए गंगा में पहले गटर का पानी जो गंदा है जल है उसको बस, फिर बाद में मूर्ति का विसर्जन रोकना, लेकिन आप गंदा चीज डालते हो और जो छोटी मोटी चीजें उस पर पकड़ बनाते हो, बताइए बात विचित्र है कि नहीं है। मूर्ति से कितना मतलब प्रदूषण फैल जाएगा, फूल फेंकने से कितना प्रदूषण फैल जाएगा, दूध जलाने से कितना प्रदूषण फैल जाएगा। लेकिन हम मैं बताऊं कि मुझे गंगा में नहाए भी बहुत समय हो गया, मैं नहीं नहाता, आचमन भी नहीं कर पाता, क्योंकि जहां मैं जिस घाट पे गंगा के रहता हूं उसी घाट के जस्ट बगल में नाला खुला हुआ, नाला वहीं बह रहा है, वहीं पे सब लोग नहा रहे हैं, मेरे से तो नहीं होता है।
तब आप कहेंगे कि गंगा पवित्र है, गंगा गंगा को शाप लगा था। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी ने आपस में सबने श्राप दे दिया, एक दूसरे से श्राप में बंधे हैं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ सबका, हे माँ आदि सती जगत जननी, सबका पाप आप छुड़ा दो, इस माँ गंगा के पाप को छुड़ा दो, जो श्राप को छुड़ा दो, अब बहुत हो गया, कम से कम उद्धार करो। गंगा का निर्मल जल बहे, आज जिस देश के अंदर नदियों को माँ कहा जाता है उसका पानी दूषित है, ये बहुत बहुत ही दुख भरी बात है, बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत मुश्किल विषय है। इसलिए